देखिए कहना क्या है, दीपशिखा बचपन की दोस्त है और उसकी खुशी में शामिल होने का तो हक है। हम हक से आए हैं, हम यहाँ विजिट करने नहीं आए हैं, हमारा ही इंस्टीट्यूट है। और दीपशिखा ने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अनकन्वेंशनल काम किए हैं जिनमें से ये एक है, हर चीज़ में वो सक्सेसफुल रही है। तो हम सबकी दिली दुआ है कि दिया दीपशिखा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग भी उतना ही सुपर सक्सेसफुल हो जैसा उसके बाकी के वेंचर्स होते हैं। और केशव भी घर का ही है, उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे का हम सबका बर्थडे है, तो उसको ढेर सारी बधाइयाँ। दे हैव हैड रादर डिफिकल्ट लास्ट ईयर, लेकिन प्यार जिंदा रहा, दोनों साथ हैं आज और उनकी खुशी में हम लोग भी शामिल होने आए हैं। उसकी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में इंसिडेंटली मैं क्लासेस भी लेने वाला हूँ, तो आई नीड अ बिट ऑफ लक ऑल्सो, क्योंकि एक्टिंग सिखाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, सब खुद ही सीखते हैं। हमारा काम को गाइड करना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हमें इंडस्ट्री में, हम चाहेंगे कि अच्छे अच्छा टैलेंट आए। और एक खास बात यह है इस इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे जिमनेजियम से कास्टिंग नहीं होगी, तो सिक्स पैक हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी एक्टिंग हो वो ही बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं इनको देख के ये सीखता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में भी इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी। ना ना नथिंग, ऐसा कोई टिप्स विप्स की क्या बात है, वी जस्ट फ्रेंड्स, दोस्तों के जैसे। देखिए ना, मैंने डांस के क्लासेस किए हैं, ना मैंने एक्टिंग की है, शायद ये पहले आती तो मैं कर लेता, नाउ जो है वैसे ही चल रहे हैं। कलाकार और बेवकूफ पैदा होते, बनाए नहीं जाते। वाह 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 किया जाता है। ये बात सुन के मेरी लेफ्ट आंख में आंसू आ गया, बहुत इमोशनल था। ओके गाइस, हाँ देखिए, नहीं डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि दे शुड बी मोर ट्रेनिंग स्कूल्स, जैसे हर एक प्रोफेशन के ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, एक्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो आप थोड़ा ओपन अप हो जाते हैं, गॉड गिफ्ट अलग बात होती है, लेकिन उसको भी पॉलिश करने के लिए कोई ना कोई स्कूल होना बहुत जरूरी है। तो लाइक व्हाट एक्टिंग डज इज, यू नो दी स्कूल्स, एक तो आपके इनहिबिशंस निकाल देती है, दूसरे टेक्निकली आपको बहुत नॉलेज आ जाती है कि कैमरा कैसे होता है, लाइट्स क्या होती है, स्क्रीन पे एक्टिंग क्या होती है, स्टेज पे होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर अच्छे टीचर्स हों तो डेफिनेटली आपका काम बहुत जल्द हो सकता है, जो चीज़ आपको 10 साल लग सकते हैं करने में शायद 2 या 3 साल। एंड बाकी मैं मानता हूँ कि टू बी अ गुड एक्टर एक होता है, ऊपर से होता है। जी, तो एक लाइन में क्या रहेगा? एक्टिंग इज वर्किंग सो हार्ड दैट यू डोंट एक्ट एनीमोर। जितने आप नेचुरल लगे, जितने एफर्टलेस लगे, आई फील दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग। तो यू हैव टू लर्न हाउ नॉट टू एक्ट एंड हाउ यू वुड बी व्हेन यू आर इन अ कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू मी। लास्ट क्वेश्चन, आप खुद को कितना रेट करेंगे, 1 to 10 में कौन सा नंबर देंगे एज एन एक्टर? अब आई, जैसे मैंने बोला, आई डोंट कंसिडर के एक्टर ऐसा, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और रेटिंग तो मैं थोड़ी दे सकता हूँ, आई कैन जाऊँ, अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। आई थिंक दीपशिखा इज अ वुमन, जो बोलती है वो करके दिखाती है, शी हैज अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, शी हैज अ लॉट ऑफ ग्रिट, एंड द वे शी वर्क्स अराउंड थिंग्स, यू नो, जो भी प्रोजेक्ट करती है बड़े दिल से करती है, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग दैट आई थिंक हर स्टूडेंट्स वुड लर्न इज that determination, that live it up to you know, everything, like with a smile go through all your struggles, and that's what they will learn and come out to be winners. मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसकी एक फिल्म देखी थी, मेरा एक मोमेंट जो था, एंड आई रिमेम्बर कॉलिंग हर अप एंड टेलिंग हर, दीप्शी, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। She said, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? I said, the best part was acting नहीं लगी. You know, so that was my compliment to her, and definitely I think she is very natural. और
जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से कह रहा था कि वो एक्टिंग के कीड़े होते हैं, इसका वो है DIA, तो ये एक्टिंग के दिए जलाने वाली है सबके। देखिए, अननोटिस्ड इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, आई डोंट थिंक इट्स यू नो यू कैन से दैट। देयर आर फैंटास्टिक पीपल हु एक्ट फैंटास्टिकली। मेरे फेवरेट्स जिनका ज्यादा नाम लेना चाहिए, ऑफ कोर्स दिलीप कुमार साहब थे, लेकिन मोतीलाल जी, यू नो, बलराज साहनी जी, मेरे हिसाब से दे वर द मोस्ट नेचुरल एक्टर्स, और ज्यादा उनकी बातें करनी चाहिए, वो कहीं लोग इतना बातें नहीं करते। दैट्स व्हाट आई थिंक। नहीं, मैं ऐसा हूँ कि मैं पूरा ऑनेस्टली से बता देता हूँ। He's the biggest critic. Biggest critic. And he's still smiling. You allowed him to smile. मैं बता देता हूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा और ये मुझे अच्छा लगा। तो बहुत खामे दाढ़ी क्यों बढ़ी गई? देवदास बन चुके हैं। उन एक्टर्स का नाम बहुत पसंद आता है। आई थिंक आई बीन एन आर्डेंट फैन बचपन से लेकर आज तक श्रीदेवी जी, बिकॉज आई थिंक मेरा जॉनर भी कॉमेडी है। उन्होंने भी अपने पूरे करियर में ज़्यादातर बहुत अच्छी तरह से, एंड कॉमेडी नॉट इन द स्टाइल ऑफ कैरिकेचर, कॉमेडी मतलब जहाँ सीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और खूबसूरती से, क्योंकि कॉमेडियंस हमेशा ऐसे देखा जाता है कि कॉमेडियन सिर्फ कॉमेडी करने के लिए होते हैं, एक दो सीन किए फिल्म में निकल गए, बट शी इज ऑलवेज डन अ गुड जॉब एंड शी इज the mainstream heroine all the time and done a lot of good comedy. So I've been an ardent fan of Shridevi ji. Ravi sir, kyunki baat ho rahi hai institute ki, aur ek time pe chahe wo boogie boogie ho ya fir ladkiyan jo apna gana aaya tha, aap khud aap log aapse ek dance seekhte the, to institute aapki taraf se aaya dance ke liye? Institute matlab technically bola jaye to main nahi keh sakta, lekin yes, Javed aur maine ek platform chote ve mein hamare diya, which is called boogie boogie, और हमें बड़ी खुशी होती है कि यू नो वहाँ से काफ़ी लोग आगे बढ़े। तो या एक इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, एक लर्निंग प्रोसेस समझ लीजिए लोगों का, एंड अ प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। सर, उस प्लेटफॉर्म का आप भी बाकी दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कब वो? एक्चुअली मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, मैं अभी चैनल से पूछ के आपको बताता हूँ, बट वेरी सून। थैंक यू, थैंक यू बहल। और आप ऑन NDTV हरियाणा, अपना कल्चर अपना चैनल। See, Deepshi is a superb actress, so Institute also is going to be superb, definitely. Thank you, sir. Thank you. I think I should talk about Deepshikha, because Deepshikha ka ye event hai, aur she's done a fantastic job. Ki wo abhi wo ek to fantastic actor hai, aur usne ye Institute khola hai. She is going to help a lot of people. But like my friend said here, artists and idiots are born, not made. मैंने नहीं बोला, चार्ली चैपलिन ऐसा बोलता है। आज के लिए मैंने बोला। But she is going to help people. Yeah. Learn reform. Like you said, कि कोई सीख के कुछ भी सीख के नहीं आता। But यहाँ पे पॉलिश करने वाले बहुत सारे मिलते हैं। And I think Deepshikha will really do a good job. She's brilliant. मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं ज्वाइन किया, मेरी एक्टिंग तो सिर्फ थिएटर ही रही है और मकरंद देशपांडे के थिएटर ग्रुप में। सो आई थिंक दैट इज एन इंस्टीट्यूट इन इटसेल्फ, ही इज एन इंस्टीट्यूट इन इटसेल्फ। और हर हमेशा आप किसी ना किसी से तो सीखते रहते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक पोस्टर से ही सीखो, यू लर्न इवन फ्रॉम द स्पॉट बॉय कि क्या नहीं करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या होता है। सो यू कीप लर्निंग एवरी डे, और जो सीखता है रोज वही आगे बढ़ता है। क्वालिटी जो आप कब तक नहीं ले पाएंगे, और बेहद कुछ है इस बात का।